दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, पोते के होमवर्क ने एक शख्स की ऐसी किस्मत खोली कि वो बन गया करोड़पति। कनाडा में एक जोड़े ने किताब के पन्नों में महीनों से गुम पड़ी लॉटरी के टिकट से 10 लाख कनाडाई डॉलर जीता है। लोटो क्यूबेक संगठन ने बुधवार को इस जोड़े के 7.5 लाख अमेरिकी डॉलर जीतने की घोषणा की है। निकोल पेडनॉल्ट और रॉजर लारोक को पिछले ही सप्ताहांत पर पता चला कि उनके पास 5 अप्रैल 2018 की एक लॉटरी टिकट पड़ी है, जिस पर 10 लाख कनाडाई डॉलर का इनाम निकला है। पेडनॉल्ट अपने पोते के होमवर्क में उसकी मदद कर रही थी और उसी दौरान उन्हें ये लॉटरी का टिकट मिला। दंपति ने ये टिकट 2018 के वैलेंटाइंस डे पर खरीदी थी और पेडनॉल्ट का कहना है कि अगर मेरे पोते ने होमवर्क में मदद नहीं मांगी होती तो मुझे ये लॉटरी टिकट कभी नहीं मिलती। लॉटरी के मामले में पेडनॉल्ट डबल लकी रही, क्योंकि एक तो उनकी टिकट पर 10 लाख कनाडाई डॉलर का इनाम निकला और दूसरा वैधता खत्म होने से कुछ ही दिन पहले उन्हें ये टिकट वापस भी मिल गया। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।